आपको बताऊंगी कि आप ग्लिसरीन को कैसे यूज़ करें सर्दियों में अपने हैंड्स और फीट को बेहद वाइटन और ब्राइटन बनाने के लिए। ग्लिसरीन को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि आपने पहले भी देखे होंगे, पर आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ उससे आपके हैंड्स और फीट बेहद वाइटन और ब्राइटन बन जाएंगे, और साथ साथ सर्दियों में जो हमें फटी स्किन की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाएगी और आपके हैंड्स और फीट बेहद सॉफ्ट, स्मूथ और सफल बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि तरीका क्या है, पर उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के आपको अपडेट मिल सके। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में हम लोग ऐड करेंगे यस्की मधु पाउडर यानी कि मुलेठी का पाउडर। मुलेठी का पाउडर एक बेस्ट स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट होता है जिसको यूज़ करने से हमारी स्किन बेहद वाइटन और ब्राइटन बनती है, साथ साथ हमारे स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आता है। तो एक चम्मच हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे मुलेठी का पाउडर। नेक्स्ट हम लोग इसमें आधा लेमन ऐड कर लेंगे। लेमन में बेहद मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि स्किन को लाइट एंड वाइटन और ब्राइटन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। सर्दियों में एलोवेरा जेल के यूज़ से हमारी स्किन बेहद मॉइस्चराइज और सॉफ्ट बनती है। एक चम्मच इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें ग्लिसरीन ऐड कर लेंगे आधा चम्मच के करीब। ग्लिसरीन स्किन को स्मूथ बनाती है। सर्दियों में जैसे हम सबको ड्राई रफ स्किन की प्रॉब्लम होती है, चाहे कितना भी कुछ भी हम लोग अप्लाई कर लें हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती ही रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पड़ता है, पर अगर ग्लिसरीन को हम लोग अप्लाई करते हैं तो काफ़ी देर तक हमारी स्किन सॉफ्ट और सफल बनी रहती है। लास्ट में इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा रोज़ वाटर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मुलेठी का पाउडर ना हो तो आप सैंडलवुड का पाउडर भी इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आपको अपने हैंड्स और फीट पे अप्लाई कर लेना है। ये पैक आपके हैंड्स और फीट को मॉइस्चराइज करेगा, स्मूथ तो बनाएगा ही, साथ ही साथ आपके हैंड्स और फीट की जो भी गंदगी जमी होगी वो उसे निकाल देगा और आपके हैंड्स और फीट को बेहद नरिश और मॉइस्चराइज बना देगा। अप्लाई करने के बाद आपको इसको आधे घंटे के लिए लगा रहने देना है और आधे घंटे के बाद नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप देखिए कि आपके हैंड्स बेहद वाइटन और ब्राइटन तो बन ही जाएंगे, साथ साथ बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। इस रेमेडी को वीक में 3 से 4 बार फॉलो करने से आपकी स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज और यंगर लुकिंग बन जाएगी, साथ साथ ये आपकी स्किन को फेयर बनाने में भी हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, ट्राई दिस और अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे किसी भी हेल्पफुल वीडियो को आप मिस ना कर सकें।